तो दोस्तों ये देवरिया जिला का काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है और यहाँ पे बिहार के मतलब काफ़ी सारे लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। धूप अगरबत्ती के लिए बाहर व्यवस्था किया गया है और सामने भी एक छोटा सा मंदिर है। हेलो दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ अविनाश और आप देख रहे हैं अविनाश कुशवाहा यूट्यूब चैनल। आज हम आए हैं लाहीपार मंदिर जो कि अभी मंदिर के मेन गेट पे हैं, तो फ्रंट कैमरे से अभी क्लियर नहीं आ रहा है, चलिए बैक कैमरे से आप लोग को दिखाते हैं और मंदिर परिसर में पूरा आप लोग को घुमाते हैं। ये है मंदिर का मेन गेट जो कि चलिए अभी आप लोग को अंदर चलते हैं मेन गेट से और पूरा मंदिर का नज़ारा आप लोग को दिखाते हैं। तो बने रहिए हमारे वीडियो में और शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहें। हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से शेयर करें। यह मंदिर देवरिया से 5-6 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, लाहीपार मंदिर के नाम से जाना जाता है। आज नवरात्र का अष्टमी दिन है, चलिए तो दिखाते हैं आप लोग को और बहुत ही अधिक आज भीड़ हुआ है मंदिर परिसर में, तो चलिए आप लोग को मंदिर के अंदर दिखाते हैं। तो भैया बताओ चलिए तो ये मंदिर में जितने भक्त श्रद्धालु आए हैं ये उन लोग का गाड़ी वाड़ी पार्किंग किए हैं और ये साइड पूजा पाठ के लिए सामान के लिए दुकान उकान है, ये आप देख सकते हैं। दो लोग आए हैं जो हमारे फ्रेंड हैं, ये भाई साहब आपका नाम क्या भैया? चंदन कुमार। ये भैया चंदन कुमार कुशवाहा हैं जो कि 15 किलोमीटर दूरी से ये आए हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए माता रानी का, तो चलिए थोड़ा इनसे भी बात कर लेते हैं। भैया आपका घर कहाँ पड़ेगा? मेरा घर सरौरा। सरौरा पड़ेगा, यहाँ से कितना दूर होगा? देवरिया से 15 किलोमीटर के आसपास। तो भैया ये देवरिया से 15 किलोमीटर की दूरी से ये मंदिर पे साइकिल से आए हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए और भी बहुत जगह से लोग आए हैं दूर दूर से। तो दोस्तों ये देवरिया जिला का काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है और यहाँ पे बिहार के मतलब काफ़ी सारे लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। और दोस्तों यहाँ पे जैसे कि एक रामनवमी का मेला पड़ता है, जैसे कि वो लगभग जैसे अप्रैल के माह में पड़ता है, तो उस दिन यहाँ पे मेला लगता है काफ़ी भीड़, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं मेला करने के लिए। और इस समय जो नवरात्र का समय चल रहा है इस समय भी काफ़ी लोग आते हैं मेला करने, तो चले चलते हैं और अंदर का दर्शन कराते हैं, तो आप लोग वीडियो बनाकर बने रहिए। ये दोनों तरफ रोड के किनारे किनारे ये मंदिर में जो भी पूजा करने श्रद्धालु आएंगे उनके लिए पूजा पाठ का सामान और अदर भी बहुत कुछ सारे सामान मिल रहे हैं जो कि मंदिर में आए हुए भक्त लोग खरीदते हैं पूजा पाठ का सामान जो भी है। तो दोस्तों देख सकते हैं यही माता रानी का मेन मंदिर है जो कि यहाँ पे कुछ श्रद्धालु कीर्तन भजन करवा रहे हैं और मंदिर परिसर में आप देख सकते हैं कितना अधिक भीड़ हुआ है। आज नवमी का अष्टमी दिन है जो कि आज के दिन बहुत ही काफ़ी मात्रा में भीड़ है और आप देख ही सकते हैं। और ये बगल में कुछ जगह है जो कि यहाँ पे कढ़ाई वढ़ाई चढ़ा रहे हैं माता बहने लोग, तो चलिए और मंदिर का बाकी का सीन दिखाते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं ये मंदिर का मेन गेट है और ये सामने धूप अगरबत्ती कर रहे हैं लोग और यहाँ पे नारियल वारियल तोड़ने के लिए रखा गया है और यहाँ पे धूप अगरबत्ती के लिए बाहर व्यवस्था किया गया है और सामने भी एक छोटा सा मंदिर है। हमारी पर्चे के तक दिखा Thank you.
देख सकते हैं यही मंदिर है, तो अंदर चल के भी आप लोग को दिखा दे रहे हैं। माता रानी का मंदिर है जो कि हम अंदर से आप लोग को दिखा दे रहे हैं, वही सामने माता रानी है। जय हो माता रानी, आप लोग माता रानी के दर्शन कर लीजिए। कुछ था मंदिर के अंदर का सीन, अभी मंदिर के बाहर थोड़ा ये जो मेला वाला लगा है थोड़ा उसका भी सीन हमने आप लोग को दिखा दे रहे हैं। ये मंदिर के साइड का है, तो दोस्तों देख सकते हैं इधर एंजॉय करने के लिए बच्चों के लिए कुछ लगा हुआ है, सर्कस वगैरह जो भी है। तो इधर इतना पानी हो गया है कि पानी की वजह से ये सब बंद पड़ा है, पानी नहीं रहता तो ये भी सब चलता, मेले में लोग आए हुए एंजॉय करते। तो दोस्तों आपने देखा कि मंदिर में कितना श्रद्धालु अधिक मात्रा में आए हुए हैं, और एक बात यह है कि चैत्र मास की जो रामनवमी होती है उस टाइम पे यहाँ पे मेला लगता है जो कि स्पेशल, बहुत ही दूर दूर से लोग आते हैं। ये जितना खाली एरिया आप लोग को दिख रहा है, अभी तो बारिश का टाइम है तो पानी भरा पड़ा है, नहीं तो इधर सब मेला लगता है पूरा, ये खाली एरिया नहीं रहता है, भरा रहता है, बट फिलहाल में अभी तो पानी है। तो दोस्तों ये जो पीछे देख रहे हैं यहाँ पे चैत्र रामनवमी के दिन काफ़ी यहाँ पे मेला लगता है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दूर दूर से लोग आते हैं। ये जो चारों तरफ का सीन देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी भीड़ मेला लगता है दोस्तों, और आप लोग आइए जो कि अप्रैल के माह में जो मेला का कार्यक्रम रखा जाता है चैत्र रामनवमी के दिन। और ये आए हैं भैया आप काफ़ी दूर से, आपको वीडियो शूट करके दिखा रहे हैं, इनको और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करिए और प्यार दिला दीजिए, और आप अपने तरफ से बोल दीजिए। तो दोस्तों मंदिर के परिसर में और माता रानी का पूरा जो भी है कवर करने की कोशिश की है वीडियो में, और आप लोग को बहुत सारा चीज़ दिखाया है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।